मुरादाबाद जनपद के मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के दलपतपुर बिजली घर के संविदा कर्मी द्वारा अपनी मनमानी और अवैध वसूली का कारोबार चरम पर है और विद्युत विभाग के कर्मचारियों द्वारा बिजली के कटौती लगातार की जा रही है, जिसमें बिजली उपभोक्ताओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते कुछ नव निर्वाचित ग्राम प्रधान बिजली की समस्याओं को लेकर और संविदा कर्मियों की अपनी मनमानी के चलते प्रधान संघ ब्लॉक अध्यक्ष व अन्नदाता किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा डॉक्टर मोहम्मद रिजवान के पास पहुंचे और विद्युत विभाग के चल रही मनमानी और संविदा कर्मियों द्वारा की जा रही क्षेत्र में अवैध वसूली को लेकर के शिकायत की, जिसके चलते डॉक्टर मोहम्मद रिजवान ने तत्कालिक गंभीरता से सारी बिजली की समस्याओं को लेकर नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों के साथ दलपतपुर बिजली घर पहुंचे और बिजली अधिकारी SDO से संविदा कर्मियों की मनमानी और अवैध वसूली व बिजली कटौती को लेकर एक ज्ञापन सौंपा और संविदा कर्मियों की मनमानी और अवैध वसूली को रोकने की मांग की और जिन लोगों द्वारा यह कारोबार किया जा रहा है उन लोगों को तत्काल हटाने की मांग की है। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद रिजवान है, ब्लॉक प्रधान संगठन का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष अन्नदाता किसान यूनियन से। अच्छा रिजवान भाई, क्या समस्या है जो आप यहाँ पे आज प्रदर्शन के रूप में कार्यकर्ताओं के साथ आए हैं? देखिए, प्रदर्शन के रूप में तो नहीं आया हूँ, पहले मैं ये ज्ञापन देने के लिए आया हूँ, क्योंकि क्षेत्र में पूरे ब्लॉक मुंडा पांडे के जितने भी ग्राम प्रधानों के अपने अपने ग्राम लगे हुए हैं, उसमें ज़्यादातर समस्याएँ लैंड मैनियों की, बिजली मतलब जो चोरी के नाम से जो चेक इन करने जाते हैं उसकी, कई सारी समस्याएं बिजली को लेकर के थी, जिसे मैंने आज लिखित में SDO साहब को ज्ञापन दिया है, उसमें चेतावनी दे दी, अगर ये समस्याएं 8 दिन के अंदर अंदर निस्तारण नहीं हुआ तो उसके बाद में बहुत विरोध वाला प्रदर्शन यहाँ पे भारी करने वाला हूँ मैं, और इसको लेकर मैं बिजली घर को बंद कर दूँगा अगर ये समस्याएँ इनकी प्रधानों की आती रहीं तब। अच्छा, कितनी ग्राम पंचायतों की शिकायतें आपके पास कुछ ग्राम प्रधान? देखिए, ग्राम प्रधान मेरे साथ में 7-8 इस वक्त मौजूदा हैं, बाकी 40-45 ग्राम प्रधानों की शिकायतें मेरे पास में आ चुकी हैं, 74 ग्राम प्रधान हैं मेरे यहाँ, 74 में से करीब 50-60 के यहाँ तो रेगुलर ये शिकायत है कि मतलब बिजली में या तो कहीं फॉल्ट है या कहीं ट्रांसफार्मर फूक गया है, ये इसी को मतलब जो संबंध में मैं लेकर के आया हूँ, आज मैंने ज्ञापन दिया है, आगे देखते हैं इसका क्या निस्तारण होता है। अच्छा, जिस तरीके से कुछ बिजली कटौती का मामला भी लगातार दिख रहा है गर्मी में, बिजली कटौती ज़्यादातर हो रही है क्योंकि बिजली पूरी मतलब जो नहीं दे पा रहे हैं, तकरीबन 6 या 7 घंटे पूरी मुश्किल से बिजली आती है, वो भी कई शिफ्टों में। अच्छा, क्या मांग करना चाहेंगे विद्युत विभाग के साथ? विद्युत विभाग से यही है कि अपने जो इनके मतलब जो ये शिकायतें हैं इसको शिकायतों को दूर करें, दूसरा जो है मतलब जो 24 घंटे लाइट ना दे के 18 घंटे तो दी जाए, जो ऊपर से शेड्यूल है, जो ये यहाँ पे जो कुछ उपभोक्ता आते हैं उनके साथ भी अभद्र व्यवहार करके कुछ पैसे इसको सुधार करें, अगर सुधार नहीं किया गया तो इसका बहुत जल्दी मतलब जो मैं इसका घेराव करने वाला हूँ, इसको बंद कर दूंगा इंसान को।